तृतीय लहर को नहीं केते प्रस्तुत ओडिशा। राज्य में बहु जिले में संक्रमण कमी स्थिति नियंत्रण को आसी ना बॉर्डर जिला बढ़ला टेनसन एवं फोकस नुआपड़ा जिला कारण पुणि थे छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़िवार लगी। बेंगल सीमा उपर भी रही नजर। राज्य सरकार को तर्जमा कर समस्त तथ्य दि जाऊँगी। सरकार यथासमय ठिक पदक्षेप ने स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र केवल से नुहे कटक भुवनेश्वर बालेश्वर मयूरभंज भाई जिले में संक्रमण टिके अधिक रोचे तेणु आगक राज्य सरकार को पदक्षेप ने पड़ो विशेषकर भुवनेश्वर और कटक में संक्रमण केमी कम से नहीं स्वतंत्र पदक्षेप निया से गुरुत्व। संक्रमण बढ़िया पचर कारण हूँ बाहर लोकों जातायात और किसी स्थान में लोकों भिड़ जहाँकि कथा नुहे तेरे तृतीय लहर आसु न आसु सर्भेलांस और टीकाकरण जारी रहिबो पदक्षेप नवाकू पड़ो जमी जे यो संक्रमणटा जो भुवनेश्वर कटक रोचे से कंट्रोल आम बर्तमान नुआपड़ा को जदि देखा नुआपड़े आम कंट्रोल ये कर रखुचु जे वर्तमान पूरा नजर रखीचु कहीं छत्तीसगढ़ देर इज ए मार्जिनाल राइट इपटे जदिव आम बेंगल बॉर्डर है इपटे बॉर्डर है इपटे आम दरकार बर्तमान पर्यंत होना किंतु आमको सजाग रहा पड़ो। सेपटे देश में अधिक केस लोड थी पांचटी राज्य मध्य ओडिशा रही प्रसंगे डीएमईडी सीबीके महांती कहते राज्य में सामग्रिक भाव संक्रमण हार 6.5% ना गत किछि दिन हेबो संक्रमण हार 3% रु कम रहुछि। पूर्वर यह 20-21% रोथवा बेले वर्तमान यह 3% को खसी आसी तेणु संक्रमण को नियंत्रण करिबारे सफल होइतिबा जुक्ति बाढ़ी डीएमईटी सेटा जून आ जुलाई मासरे नैथिले आपण जानिछन जून मास प्रथम हाफ रे आमर संक्रमण हार बहुत रही था तेनाली आभरेजटा 6.5% जोटा नहीं किंतु गला किछि दिन हला सीटा 3% रु कम हो गला जो आम 20-25% आगुक बर्तमान 3% खसी आसला आम सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होमें बहुत परिमाण में सफल होती कंट्रोल करने ट्रांसमिशन कमे कोरोना मीटर तथ्य कहूँ आज राज्य में कोविड संक्रमण में 65 जन प्राण हर बेले 2074 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती जदिव संक्रमण 2000 पाखक खसी आसी किंतु एवं यह चिंताजनक हो रही पुणी रही तृतीय लहर आशंका यार भितर जदि किसी गुरुत्वपूर्ण रोची कोरोना कटकणा को अक्षर अक्षर पाल्वा राज्य में जारी रही आंशिक लॉकडाउन प्रक्रिया आसंता 16 तारीख में शेष होगा पूर्व आसंता काली राज्य सरकार नुआ कटकणा नहीं कौन निष्पत्ति ने राज्यवासी नजर रही। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन रवि नारायण दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।